नमस्कार दोस्तों, आज का जो हमारा विषय है वह है नाम जप सिद्धि होने से। इस तरह के 5 से 10 नाद की आवाजें सुनाई दे सकती हैं। कुछ नाद तो जो आपको हमने पिछली वीडियो में बताए हैं वो, लेकिन कुछ साधकों के प्रश्न आए थे कि उन्हें कुछ और भी नाद सुनाई देते हैं, तो वो भी इस विषय में आज हम पूरा उनको जानकारी देने जा रहे हैं। तो आप सभी का हम स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल आत्मा से परमात्मा का सफर। तो जब भी साधक नाम जप करता है तो एक गहरी स्थिति में पहुंच जाता है जिसमें उसका अजपा और उसके बाद वो भी छूट जाता है। ऐसी स्थिति में वो अपने सहस्त्रार पे मीन्स दशम द्वार पे ध्यान रखता है, सेवंथ चक्र पे मीन्स अपने क्राउन चक्र पे जब वो ध्यान को केंद्रित कर लेता है, तब धीरे धीरे उसके भीतर से जो कुंडलिनी शक्ति है, कुंडलिनी माँ है, जो मूलाधार चक्र पे सोई हुई हैं, वो उठ के धीरे 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 सभी चक्रों को भेदते भेदते जब ऊपर आ जाती है सहस्त्रार पे, तब उन्हें कुछ आवाजें सुनाई देने लगती हैं। ये नाम जप से भी हो जाता है, ध्यान करने से भी हो जाता है, आप अलग अलग ध्यान की विधियों पर योग करने से हो जाता है। तो जब आपका पूरी एनर्जी जो ऊर्जा है वो सहस्त्रार पे आ जाती है, तो हम आपको कुछ आवाजें सुनाई दे रही हैं, वो आप सुनिए। तो वो आवाजें कौन कौन सी होती हैं, आवाजें ध्यान से आप सुनिए। वो हम आपको एक रिकॉर्डिंग सुनाने जा रहे हैं जिसको आप सुनेंगे, फिर पहली आवाज सुनिए। अब दूसरी आवाज सुनिए। अब तीसरी आवाज सुनिए। अब चौथी आवाज सुनिए। अब पांचवी आवाज सुनिए। अब छठी आवाज सुनिए। सातवीं आवाज सुने। तो ये जो आवाजें आप सुन रहे हो, ध्यान में ऐसी आवाजें सुनाई देती हैं उस साधक को। और हमने, अगर आपने हमारी पिछली वीडियो जो 5 शब्दों से जो धुन सुनाई देती है वो भी हमने डाली हुई है, एक है अनहद नाद की 10 आवाजें, वो वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो हम वीडियो के एंड पे आपको वो वीडियो के दोनों लिंक डाल देंगे कि आप वो दोनों वीडियो देख लें, ताकि आपको पता लग सके कि आपको आवाजें सुनाई कौन कौन सी देती हैं। अब उनके अलावा कुछ यूजर्स के, कुछ साधकों के प्रश्न जो आए हैं, उनको कुछ और भी आवाजें सुनाई देती हैं, तो हमने वो भी रिकॉर्डेड की हैं, वो आपको जो हमने सुना दी हैं पीछे। तो ये आवाजें आपको अलग अलग इस तरह से भी सुनती हैं, इनको सुनते रहना है, सुनते रहना है। ये आपको फिर एक नाद में, जैसे आपको सबसे पहले कम आवाज सुनती है पहले वो सुने, अगर आपको परेशानी हो रही तो सबसे तेज आवाज को सुनो पहले, जो आपको सबसे, जैसे कई आवाजें आ रही हैं आंखें बंद करने पर सहस्त्रार पे, तो आप उनमें से कोई एक आवाज पहले चुन लीजिए, चाहे बिल्कुल स्लो वाली या बिल्कुल हाई वाली। फिर धीरे धीरे करके आप एक एक उस आवाज के जब पीछे जाएंगे, तो वो आखिरी में आपको उस परमात्मा की आवाज, उस परमात्मा तक पहुंचा देगा। तो ये जो निराकार तक आपको पहुंचाने का रास्ता है, जो अनहद नाद है, उसकी आवाजों को सुन के आप उस परमात्मा का रस ले सकते हैं। तभी कई संगीत के लिए बोलते हैं कि जब आप मेडिटेशन करो तो कोई म्यूजिक लगा लो। जैसे आप म्यूजिक लगा लेते हैं और उसी को सुनते रहते हैं, तो धीरे धीरे तब भी आप उस ये आर्टिफिशियल आपने आवाजें बनाई हैं, लेकिन जैसे ही, जैसे बंसुरी की आवाज कई लोग ध्यान में सुनते हैं, चिड़ियों की चहचहाट सुनते हैं, पहाड़ों की गर्जना, जो पहाड़ों पर झरने गिरते हैं, ऐसी आवाजें लगा के जब ध्यान करते हैं, तब उनका ध्यान बहुत जल्दी लग जाता है,
और उस अनहद नाद की आवाजों को रियल में भी वो सुनने योग्य हो जाते हैं। जैसे छोटे बच्चे को सिखाते हैं तो हम एक उसको बुक लेके देते हैं, उसमें ए फॉर एप्पल बना होता है, बी फॉर बैट बना होता है, उसे दिखाते हैं कि ये ऐसा होता है ऐसा होता है, पहले फोटो में दिखाते हैं और फिर वो जान लेता है कि इसका मतलब ये है। और जब रियल में भी आप उसे दिखाते हैं तो वो कह देता है ये एप्पल है, ये बैट है, क्योंकि उसने पहले किताबों में पढ़ा है। ऐसे ही जब आप आर्टिफिशियल इन नादों को सुनते हैं, जो बनावटी आवाज़ें हैं, जैसे बंसुरी की आवाज़ अपने ध्यान में सुन रहे हैं, आप चिड़ियों की चहचहाट सुन रहे हैं, आप पहाड़ों के में झरने गिर रहे हैं वो सुन रहे हैं, तो ये पहले आर्टिफिशियल सुनते सुनते आप रियल वाले में भी पहुंच जाएंगे, क्योंकि सेम ही आवाज़ें वहाँ भी आपको सुनाई देंगी। तब आप नाद के सफ़र को तय करना शुरू कर लेंगे। तो दोस्तों, उम्मीद है दी हुई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। फिर भी आपका कोई प्रश्न होता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। और हमने अनहद नाद पर बहुत सी वीडियो बना के डाली हुई हैं, वो आप जाके चैनल में देख सकते हैं। इसी के साथ आप सभी से हम विदा लेते हैं। धन्यवाद।